हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हितेश कुमार है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम जो पढ़ने वाले हैं, हम कुछ सेट, सबसेट और उनके कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम डेफिनेशंस, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेट। सेट क्या होता है? आ सेट कैन डिस्क्राइब इन वेरियस वेज। जो सेट होता है उसको कई तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। सिंपली सेट को हम डिस्क्राइब करते हैं एक कलेक्शन की फॉर्म में। सेट जो होता है, सेट जो होता है वो एक कलेक्शन होता है। द सेट इज ऑफ ऑब्जेक्टिव सच द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव सच दैट गिवन एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई ऐसा कलेक्शन जो कि कोई वैल्यू देता हो, ऐसा यानी जो कलेक्शन जो होगा वो कोई वैल्यूएबल कलेक्शन होगा, उसको कुछ मतलब होगा, तो ऐसे कलेक्शन को हम कहेंगे एक सेट है वो। जैसे एग्जांपल ए बराबर 1 2 3 4 5 6, ये जो है एक कलेक्शन है जो कि 1 से 6 तक के नंबरों का कलेक्शन है। ये हमारे पास इस तरह से इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं सबसेट। तो फिर सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है? वी से ए सबसेट ऑफ वी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ वी, यानी कोई एक सेट है ए, वो सबसेट कहलाएगा बी का। किस कंडीशन में? अगर हमारे पास ए के जो भी एलिमेंट हैं वो बी के बी में भी मिल जाए। जैसे सपोज कि ए में हमारे पास एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 और बी में हमारे पास कुछ एलिमेंट हैं, बी में हो यानी ये जो होगा वो सबसेट होगा बी का। कब? ये एलिमेंट तो बी में होंगे 1 2 3 4 5 6 और इसके अलावा कुछ एलिमेंट और हो, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ए सबसेट ऑफ बी। और फिर से अगर बी सबसेट ऑफ ए को शो करना होगा, हमारे बी सबसेट ऑफ ए, तो उस कंडीशन में हमारे पास बी के जो एलिमेंट होंगे सारे एलिमेंट ए में मिल जाने चाहिए, यानी बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे बी सबसेट ऑफ ए। और अगर हमारे पास दिया हुआ है कि ए सबसेट ऑफ बी है एंड बी सबसेट ऑफ ए है, तो इस कंडीशन में जो दोनों सेट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी ए इक्वल टू बी। तो यहाँ से एक थ्योरम आते हैं, इट इज क्लियर दैट इफ ए बराबर बी, ए बराबर बी कब होगा? इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। अब फिर से हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो आती है यूनियन की। यूनियन क्या होता है? इफ ए एंड बी आर टू सेट देन यूनियन ऑफ दीज सेट इज डिफाइंड एज, यानी ए और बी को दो सेट है, उस कंडीशन में इन दोनों सेट का यूनियन जो होगा वो ए यूनियन बी क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी ऐसे एलिमेंट्स, सारे ऐसे एलिमेंट्स जो या तो ए का एलिमेंट होगा या बी का एलिमेंट होगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल है, ए बराबर 1 2 3 है, बी बराबर 3 4 5 है, तो इस कंडीशन में ए यूनियन बी बराबर 1 2 3 एंड 4 5 6 सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 5। सपोज अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें, ए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है और बी बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो उस कंडीशन में ए यूनियन बी बराबर होगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो दोनों एलिमेंट्स को हम लिख दें, दोनों एलिमेंट्स को कॉमन लिख दें, तो उस कंडीशन में हम उसके सबसेट लिख देते हैं, क्योंकि हम सेट में कोई भी नंबर रिपीट नहीं करते हैं, तो रिपीट नहीं करते तो सारे सेट को एक साथ लिखेंगे हम, पूरे सारे नंबर्स को। सपोज इसमें से अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, बट जैसे कि चूंकि हम रिपीट नहीं करते तो 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखे जाएंगे, 7 एंड 8 ही लिखे जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास ए यूनियन बी। तो इस तरह से ए यूनियन बी को हम डिफाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आता है हमारे पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? इफ ए एंड बी आर टू सेट देन इंटरसेक्शन ऑफ दीज सेट डिफाइन एज, यानी ए और बी कोई दो सेट है, तब उन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, दोनों में हैं, तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे कि वो सेट इंटरसेक्शन है। तो जैसे सपोज हमने एग्जांपल लिया है ए बराबर 1 2 3 एंड बी बराबर 3 4 5, तो इस कंडीशन में इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है? 3, यानी 3 एलिमेंट इसमें भी है और इसमें भी है।
साथ ही हम इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं, अगर ए और बी ये हैं तो उस कंडीशन में इंटरसेक्शन क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये इसमें भी है और ये नंबर इसमें है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब फ्रेंड्स हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं, हमारे पास थ्योरम फर्स्ट है, इफ ए बी सी आर सेट देन फॉलोइंग रिजल्ट आर होल्ड, है ए बी सी कोई सेट है तो उस कंडीशन में ये जो फॉलोइंग रिजल्ट हैं ये होल्ड करेंगे। तो पहला रिजल्ट है ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए एंड ए यूनियन ए बराबर ए, और ए इंटरसेक्शन फाइव बराबर फाइव एंड ए यूनियन फाइव बराबर ए, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए एंड ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। थर्ड है, फोर्थ है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी, एसोसिएटिव लॉ, इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, और उसके बाद आता है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इनका हम प्रूफ पढ़ते हैं फ्रेंड्स। लेट ए एंड बी, ए बी एंड सी आर थ्री सेट, हमने ले लिया कि ए बी एंड सी जो है वो तीन सेट है, तो अब ए इंटरसेक्शन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए बराबर लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, क्योंकि इंटरसेक्शन की जो डेफिनेशन होती थी वो हमने अभी पढ़ी है। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ पे हमने पढ़ी थी ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, तो यहाँ पे हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए की जगह ए इंटरसेक्शन ए ही है इसमें, तो यहाँ से हम ये हो गया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू ए भी है एंड एक्स बिलोंग्स टू ए दोनों, तो इसको एक बार लिख सकते हैं, तो यहाँ से हो गया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, तो एक्स बिलोंग्स टू ए ये कौन सा सेट हो गया, ए, तो यहाँ से हो गया ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए, ये प्रूफ हो गया फ्रेंड्स। अब सेकंड देखते हैं ए यूनियन ए बराबर, तो ए यूनियन ए बराबर क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए, या तो एक्स ए से होगा या फिर एक्स ए से होगा क्योंकि यहाँ पे बी नहीं है, तो और उस कंडीशन में इसको हम एक बार लिख सकते हैं, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, तो इसको हम ए लिख सकते हैं, तो ए यूनियन ए बराबर भी हमारे पास ए आ गया, तो यहाँ से हम दोनों हमारे पास प्रूफ हो गए ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए एंड ए यूनियन ए बराबर ए। उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है ए इंटरसेक्शन फाइव बराबर क्या है, तो ए इंटरसेक्शन फाइव बराबर क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू फाइव, जो फाइव जो है वो एम्प्टी सेट होता है, यानी कोई उसमें सेट नहीं होता, जो कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी फाइव। अब चूंकि फाइव जो है एम्प्टी है, तो इस कंडीशन में ये जो पूरा सेट होगा एक्स के ऐसे एलिमेंट जो ए में भी होंगे फाइव में भी होंगे एम्प्टी में होंगे वो क्या होंगे, ओनली फाइव, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू फाइव, तो यहाँ से हो गया ये फाइव, तो यहाँ से हमारे पास ये हो गया ए इंटरसेक्शन फाइव बराबर फाइव। और सेकंड है हमारे पास ए यूनियन फाइव बराबर, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू फाइव, यानी एक्स या तो ए से होगा या खाली नहीं होगा या रिक्त होगा, तो इस कंडीशन में हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको रख सकते हैं, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, तो ये हो गया ए, तो यहाँ से हमारे पास जो थ्योरम प्रूफ हुई वो हो गई ए इंटरसेक्शन फाइव बराबर ए एंड ए यूनियन फाइव बराबर ए। उसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम से चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए प्रूव करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, तो ये लिख सकते हैं, तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए तथा एक्स बिलोंग्स टू बी, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी तथा एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ से ये हो गया, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन बी ए, तो यहाँ से होगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। उसके बाद ए यूनियन बी बराबर देख रहे हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, क्योंकि अथवा यानी एक्स बिलोंग्स टू या तो ए से होना चाहिए या बी से होना चाहिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी से होना चाहिए या फिर ए से होना चाहिए, तो एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ से ये हो गया बी यूनियन ए, तो ये हो गया सो ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। अब फिफ्थ देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी,
तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, यानी एक्स जो है ए से भी ए में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए, सी में भी होना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हो गया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी का मतलब हम ये ले लेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। तो यहाँ से हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये इसका एसोसिएटिव लॉ हमारे पास हो गया। उसके बाद यूनियन में देखते हैं, तो यूनियन में ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। तो यहाँ से बी यूनियन सी को हम डिफाइन करेंगे, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। तो यहाँ से होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, या तो ए यूनियन बी से होगा, इससे इन दोनों को लिख लिया ए यूनियन बी और एक्स बिलोंग्स टू सी होगा। तो यहाँ से होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ से ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी। उसके बाद हम फिफ्थ पे चलते हैं, तो फिफ्थ पे देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। तो यहाँ से होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी, यानी एक्स जो है या तो चूंकि सॉरी एक्स ए से होगा या एंड एक्स या तो बी से होगा या फिर सी से होगा, यानी एक्स ए तो ए से तो होगा ही होगा या फिर बी से भी होगा या फिर सी से भी होगा, यानी ए से होना है उसको और बी और सी में से उसके पास ऑप्शन है, बी में से हो सकता है सी में से हो सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी और या एक्स बिलोंग्स टू ए और सॉरी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यानी ये हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। अगले इसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर, तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, यानी एक्स तो जो है वो ए से है और बी इंटरसेक्शन बी और सी दोनों में से कॉमन है, कॉमन जो एलिमेंट है वो है एक्स, या तो वो ए से है या बी और सी का कॉमन एलिमेंट है। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी, यानी एक्स जो है या तो ए से है या बी से है एंड या तो एक्स बिलोंग्स टू ए से है या वो सी से है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लिख सकते हैं इसको। अब फ्रेंड्स सेकंड थ्योरम हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड थ्योरम है हमारे पास डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है हमारे पास, फोर सेट ए बी इन अ सेट एक्स एक्स माइनस ए यूनियन बी बराबर एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी और ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एक्स माइनस ए यूनियन बी यानी एक्स में से हमको हटा देना है, कोई सेट है हमारे पास एक्स, उसमें से ए और बी का यूनियन को हटा देने पर जो सेट बचता है वो इसके इक्वल होगा एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी। एंड अगर इसको देखें तो ए यूनियन बी डैश यानी ए यूनियन बी के बाद जो इसको हटाने के बाद एक सेट में से जो सेट बचता है वो इसके इक्वल होगा ए को हटाने के बाद जो उसका इंटरसेक्शन प्लस बी को हटाने के बाद जो, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसी तरह एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक्स माइनस ए यूनियन एक्स माइनस बी। तो यहाँ से होगा ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश, यानी ए इंटरसेक्शन बी डैश को क्या लिख सकते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश। अब उनके हम प्रूफ पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो प्रूफ पहले फर्स्ट प्रूफ कर रहे हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस ए यूनियन बी। पहले हमने सपोज कर लिया जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है एक्स माइनस ए यूनियन बी से, तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यानी एक्स जो है वो एक एलिमेंट है वो एक्स में तो है बट ए यूनियन बी में नहीं है। उसको हम वेन डायग्राम के हेल्प से समझे तो ये क्या कहना चाहता है फ्रेंड्स हमारे पास, सपोज कि ये हमारे पास टोटल जो सेट है वो एक्स है
और ये है, ये बी है, ए बी। अब हमने लिया है कि एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी तो ये वाला सेट हो गया यहाँ से, ये वाला सेट। तो एक्स माइनस एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस ए यूनियन बी, इसका मतलब एक्स जो है वो इसके कोई इधर बाहर का कोई एलिमेंट है, इनके बाहर का कोई एलिमेंट है। तो उस कंडीशन में हम क्या लिख रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स बट टू एक्स तो पूरा सेट है इसके साथ, बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो यहाँ से हमने ये लिख दिया, तो यहाँ से हुआ एक्स बिलोंग्स टू एक्स बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू एक्स बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी एक्स जो है वो कैसे एलिमेंट हो गए यहाँ से, एक्स जो कि एक्स से बिलोंग कर रहे हैं बट ए में नहीं है, तथा एक्स जो एक्स में बिलोंग कर रहे हैं तथा बी में नहीं है, यानी एक्स जो कि एक्स से बिलोंग कर रहे हैं लेकिन ए में नहीं है, यानी इसमें से नहीं है, यानी एक्स माइनस ए, यानी इसमें हो सकता है, हमने कहा इसमें हो सकता है। और एंड सेकंड एक्स माइनस बी, यानी कि वो इसमें भी नहीं है, एक्स माइनस बी क्या हो गया, इसको इसके अलावा बाकी का एरिया। तो ये हो गया हमारे पास, तो ये हो गया एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस ए एंड एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस बी। तो यहाँ से हो गया एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी, तो ये हो गया। तो यहाँ से हो गया एक्स माइनस ए यूनियन बी सबसेट ऑफ एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी। अब ये प्रूफ हो गया। उसके बाद नाउ सपोज वाई बिलोंग्स टू एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी। हमने सपोज कर लिया कि जो वाई है वो राइट हैंड साइड वाले पार्ट में है, यानी कि हमने इसमें सपोज किया है इसको। तो ये हो गया वाई बिलोंग्स टू एक्स बट वाई नॉट बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू एक्स बट वाई नॉट बिलोंग्स टू बी। इसमें फिर इसको डिफाइन कर दिया हमने, तो डिफाइन करने के बाद फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास y belongs to x but y not belongs to a, यानी y belongs to x but y not belongs to a और b, ना तो a से है ना b से है, a और b। तो यहाँ से हो गया y belongs to x minus a union b। तो यहाँ से हो गया x minus a intersection x minus b is subset of x minus a union b। तो ये सेकेंड थ्योरम हो गए। तो फर्स्ट और सेकेंड थ्योरम से क्या हमारे पास क्या आ गया, अगर पहले हमने पढ़ा था जैसे कि अगर a union a subset of b and b subset of ए हो तो उस कंडीशन में ए बराबर बी होता है। तो हमने ये क्या यहाँ पे सो किया कि एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी सबसेट ऑफ एक्स माइनस ए यूनियन बी। और पहले इससे पहले प्रूव किया था हमने एक्स माइनस ए यूनियन बी सबसेट ऑफ एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी। तो यहाँ से इन दोनों की हेल्प से हम सीधे लिख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। तो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड एक्स माइनस ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी। अब ये हो गया हमारे पास। अब इसका सेकंड पार्ट हम प्रूव करते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हमने अब सपोज कर लिया कि एक्स जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है, अगर वेन डायग्राम में देखें तो ये एक्स है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, यानी इस सेट के अलावा जो इस एरिया के अलावा जो पार्ट है एक्स का, ये पूरा पार्ट वहाँ से एक्स बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो गया एक्स बिलोंग्स टू एक्स बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी ना तो एक्स ए में है ना ही एक्स बी में है, दोनों में नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एक्स ए में हो बट एक्स बी में नहीं हो, इस तरह से हो सकता है, क्योंकि एक्स हमारे पास यहाँ हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पास हम कह रहे हैं एक्स ए और बी दोनों में नहीं है। तो ये हो गया एक्स बिलोंग्स टू एक्स बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू एक्स बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ से हो गया एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस ए और एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस बी। तो यहाँ से हो गया एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस ए यूनियन एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस बी। तो एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस ए यूनियन एक्स माइनस बी। तो यहाँ से हो गया एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ एक्स माइनस ए यूनियन एक्स माइनस बी। अगेन लेट y बिलोंग्स टू x माइनस ए यूनियन y माइनस सॉरी y बिलोंग्स टू x माइनस ए यूनियन x माइनस बी, देन y बिलोंग्स टू x बट y नॉट बिलोंग्स टू v, इन y जो है वो x से बिलोंग करेगा लेकिन y नॉट बिलोंग करेगा x a से, और कह सकते हैं इसको y जो है वो x से बिलोंग करेगा बट y नॉट बिलोंग्स टू b। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास,